अगर हम आईटी पैक की बात करें तो जो फ्रंट लाइनर्स हैं टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, विप्रो के नंबर्स कल आ गए, टीसीएस के ठीक ठाक थे, इंफोसिस ने निराश किया था, लेकिन अगर हम शेयर के प्रदर्शन की बात करें पिछले साल भर में या फिर डेढ़ साल में, तो विप्रो ने शायद सबसे ज़्यादा निराश किया है। 400 रुपये तक ये शेयर गिरा, लगा कि शायद थम जाएगा, उसके और नीचे आया और जो नतीजे जो आए हैं वो कमज़ोर आए हैं कंपनी के। आप जरा शेयर देख के बताइए, हालांकि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की तेजी इसमें दिख रही है क्योंकि आईटी में ओवरऑल थोड़े से बाइंग के सेंटिमेंट्स आए हैं। विप्रो आपको लगता है कि आज अगर नीचे गिरा सपोर्ट्स कहां पर उसको मिलेंगे, स्टॉप लॉस आप क्या लगाने की सलाह देंगे? ओके मैं पहले ने कहा आईटी सेक्टर का जो हमने एक टेक्निकल रीडेबिलिटी की थी, हमारा एक रिसर्च रहा होता, वो काफी इंटरेस्टिंग से डेवलपमेंट है, तो मैं आपको और आपके दर्शक मित्रों को वो शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा पॉइंट का एनालिसिस हमारा 2004 से चालू हुआ था, 2004 से लेके 2023 तक जो अभी का जो टाइम है, तो 2004 से 2023 में आईटी इंडेक्स है वहां पे जो हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई ना, तो वो 7 बार डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है, लेकिन 7 बार में से 6 बार जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई वो काफी कंसिस्टेंट डिक्लाइनिंग मोमेंटम थी। 32-35% अपने पीक से वो इंडेक्स नीचे गिरता था और वहां से इसके ऊपर हमें मूव देखने मिलता था। एक एक्सेप्शनल जो बना था वो 2007-2008 का था, जहां पे इंडेक्स 65% पर पड़ा था, लेकिन 6 out of 7 टाइम एक रिदम देखने मिली थी कि 32-35% आईटी इंडेक्स गिरता है और वहां पे रिमाउंड करता है। ये एक प्राइस एक्शन से एंगल था। टाइम वाइज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी आईटी सेक्टर का अगर आप ईयरली चार्ट देखते हो ना, सो सिंस इट स्टार्ट आई थिंक 2000 के साल के बाद में जब भी आईटी इंडेक्स गिरा हुआ है, 2 साल कंसेक्यूटिव उन्होंने एक वीकनेस दी हुई है, और ये अभी हो रहा है वैसा नहीं है, हिस्ट्री में 4 से 5 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी गिरा हुआ है वो 2 साल से गिरा हुआ है। तो प्राइस एक्शन और टाइम वाइज साइकिल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर ईयर जो है अभी भी एक दो क्वार्टर आईटी सेक्टर्स में काफी पेन रहेगा। कमिंग बैक टू द विप्रो स्टॉक, विप्रो स्टॉक वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक रहा हुआ है आईटी स्पेक में से, एंड अभी भी जो 374 का लेवल हम देख रहे हैं तो सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म उसका हम पोटेंशियल सपोर्ट लेवल देखते हैं तो करंट लेवल से अभी भी वो काफी दूर है, तो लेट्स से कि 375 के लेवल पे भी चल रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल इसका 304 के लेवल पे आ रहा है जो कि काफी बहुत दूर का है, लेकिन अभी भी जो मार्केट का शॉर्ट टर्म का भी एंगल देखते हैं तो वीकनेस यहाँ पे रहेगी। और 374 से अगर रिजल्ट की वजह से इस पे ज्यादा दबाव आता है तो नेक्स्ट में सपोर्ट लेवल हमें कुछ 360 के यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना इज नॉट एन एडवाइजेबल। अगर आईटी सेक्टर में कहाँ पे ट्रैक्शन है तो मिड कैप स्मॉल कैप में है, लीडिंग स्टॉक में इतना नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से अगर आईटी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना हो तो एकाध क्वार्टर के बाद में धीरे धीरे से हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आईटी स्पेस पर तो ये राय आई है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और आईटी सेक्टर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि हर स्टॉक को आप एक नज़र से ही ना देखें क्योंकि हैवीवेट से कंसर्न जरूर देखने को मिली थी, लेकिन साथ ही मिड कैप आईटीज ने काफ़ी अच्छा प्ले किया है। थोड़ी देर पहले एफएनओ के डेटा में भी हम देख रहे थे अप्रैल सीरीज में चुनिंदा आईटी कंपनियों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट दिए हैं, लेकिन